वही वन है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था। और अच्छा, पीछे जो वृक्ष है, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये अभी मैं आपको क्लियर दिखा दूंगा, ये इसी वृक्ष के ऊपर वो कपड़े लेके बैठ गए थे गोपियों के। वोटिंग करेगा? वोटिंग नहीं नहीं नहीं, अभी आप देखेंगे लाइट चेंज हो रही है। तो हाय दोस्तों, मैं राजवीर चौहान, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने इस ब्लॉग में। और आज हम हैं वृंदावन, और यहाँ पर आपको पूरे दिन वृंदावन में घुमाने वाले हैं, पूरा वृंदावन के दर्शन कराएंगे। तो भाई, सामने जो आपको दिख रहा है यही है निधिवन का गेट, जिसके अंदर से हम अभी बागीचे के अंदर यानी वन के अंदर जाने वाले हैं। ब्राह्मण भेजते हैं दर्शन करने की इच्छा हो तो? नहीं भैया, कोई जरूरत वाले थोड़ी नहीं लेते हम, तो यहाँ तो जो आता है ना वो लेता है। नहीं, हम नहीं, स्टोरी सुनना हो, भगवान की लीलाएं सुनना हो, सब लीला बताऊंगा। कौन पेड़ रुकी है, कौन पेड़ रुकी है, यहाँ राज करते हैं भगवान, आपको सारी लीला पता है भाई। सोनू लली काट दे, मैं ये पहनूंगा ना, पकड़ पकड़ ले, ये नहीं, ये मैं ये अच्छा 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 तो दोस्तों अब हम निधि वन में प्रवेश कर चुके हैं, और ये वही वन है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था। और कथा के अनुसार यहाँ पर आज भी रात को भगवान श्री कृष्ण रास रचाने आते हैं, इसीलिए यहाँ पर रात्रिकालीन में किसी को रुकने नहीं देते। खाली देखोगे वन में पेड़ ही पेड़ है सर, मजा आ जाता है। स्टोरी का बने वन में क्या, भगवान का नीला मारता हूँ मैं सर। सर भगवान का महत्व तो सबको पता है, और स्टोरी भी सबको पता है। गोवर्धन में आते हैं ना दादा कुंड, श्याम कुंड, जिनके बच्चे नहीं होते नहाते हैं, वो गोवर्धन में पड़ता है, वृंदावन में ललिता। दोस्तों ये कुंड है जो कि निधिवन के अंदर बने हुए हैं, और बोलते हैं कि ये ललिता जी का कुंड है।
ये हमारे दोस्त भांजे कुछ भी कह सकते हैं भाई, टिकट ले रहे हैं शीश महल देखने के लिए। कितने की है? हाँ भैया, ये कैमरा है राधेश, ठीक है राधे श्याम। और अब हम आ गए कहाँ, जमुना जी के घाट पर, और यहाँ चीर घाट पर, ये चीर घाट है, यानी यहाँ पर वस्त्र उठाए थे भगवान ने, उनके हरण किया था पेड़ के ऊपर जब वो लेके बैठे थे। अच्छा, पीछे जो वृक्ष है हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये अभी मैं आपको क्लियर दिखा दूंगा, ये इसी वृक्ष के ऊपर वो कपड़े लेके बैठ गए थे गोपियों के। अभी जमुना जी के दर्शन करा देते हैं भाई। सोनू, हाँ जी, वोटिंग करेगा? वोटिंग नहीं नहीं नहीं। तो भाई ये कदम का पेड़ है जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र छुपाए थे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वृंदावन के प्रेम मंदिर में। भाई यहाँ आए और प्रेम मंदिर ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए, राधे राधे सर, राधे राधे सर, राधे राधे। दोस्तों मुझे मजबूरी में ये प्रेम मंदिर के अंदर का वीडियो है मोबाइल से शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा कैमरा था वो अलाउ नहीं किया अंदर आने के लिए। काफ़ी मिन्नतें की गार्ड से, लेकिन उन्होंने कैमरा अलाउ नहीं किया, इसलिए ये जो पोर्शन है प्रेम मंदिर के अंदर का, ये मैं मेरे कैमरे से शूट कर रहा हूँ, और हो सकता है उसकी वजह से क्वालिटी थोड़ी डल हो जाए। तो भाई क्या करें, मजबूरी है। प्रेम मंदिर में लाइट का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन किया गया है। मंदिर के ऊपर जो ये लाइटिंग है, ये कुछ कुछ समय के बाद चेंज होती रहती है, जैसे कि अभी आप देखेंगे लाइट चेंज हो रही है।
दोस्तों ये तो था वृंदावन का व्लॉग, अब हम कल मथुरा जाएंगे, लेकिन इस व्लॉग में इतना ही। बने रहिए चैनल पर, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।